दोस्तों वो चार पॉइंट जो हर रिज्यूम या सीवी को ऑर्डिनरी सीवी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीवी में कन्वर्ट करता है, और अगर आपने अपने रिज्यूम में वो चार पॉइंट ऐड कर लिया तो यकीन मानिए हर कंपनी के सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा। आइए उन चार पॉइंट्स को एक एक करके हम समझते हैं। उन चार पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट। मैं उसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसको ज्यादातर स्टूडेंट एक बर्डन की तरह कंसिडर करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो मार्केट से ही बनवाकर उसको अपने टीचर को सबमिट कर एक फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं। ये एक फ्रेशर के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती होती है। आपका प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आपके चार साल के स्किल्स का आउटकम है जो कि आप एक मॉडल के रूप में दुनिया को दिखाते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट आपके उस ड्रीम सेक्टर का ही होना चाहिए जिस कंपनी में आपको काम करना है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं और वो है पेटेंट या पब्लिकेशंस। एक ITN के सीवी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेजुएट के सीवी में एक बेसिक डिफरेंस होता है और वो होता है पेटेंट एंड पब्लिकेशंस। और एक बेसिक सा डिफरेंस पैकेज में लाखों लाखों का डिफरेंस क्रिएट करता है। आप बीटेक के टाइम में जो प्रोजेक्ट बनाते हैं कोशिश करिए आपका प्रोजेक्ट आइडिया डिजाइन या पब्लिकेशन में पेटेंट हो जाए। कम से कम दो पेटेंट आपकी सीवी में होना चाहिए। सिमिलरली आप जो प्रोजेक्ट बनाया है उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको दो पेपर कॉन्फ्रेंस या जनरल में पब्लिश करना चाहिए। उन दो पेपर में से एक रिव्यू पेपर एक रिजल्ट ओरिएंटेड पेपर हो सकता है। अगर ये दो चीजें आप रिज्यूम में ऐड करते हैं तो वो आपके रिज्यूम को बाकी के स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली काफी डिफरेंट बनाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको एक रूटीन वर्क मान के अपने आसपास के उन कंपनी से इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर लेते हैं जिसमें उनको कम भागदौड़ करना पड़े, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको आपके ड्रीम सेक्टर जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं जिसमें आप कैरियर बनाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आपको इंटर्नशिप या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस होता है कि वो आपको इंडस्ट्री में चलने वाले रिसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी से अवेयर और अपडेट कराए। और जब आप प्रैक्टिकली चीजों को इंडस्ट्री में देखते हैं तो आपका फंडामेंटल भी क्लियर होता है। तो अगर आप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप किसी अपने ड्रीम सेक्टर के किसी अच्छी कंपनी से करते हैं तो ये आपके रिज्यूम में एक फीडर ऑन कैप का काम करेगा। तो कम से कम दो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग एक फ्रेशर ग्रेजुएट के रिज्यूमे में होना चाहिए। अगला है सर्टिफिकेशन फ्रॉम नेशनल और इंटरनेशनल रिप्यूट। सर्टिफिकेशन एक डिग्री नहीं है, ये एक मौका है जिससे आप अपना फंडामेंटल और रिसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। नॉर्मली जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप उन्हें सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होता है। इंडस्ट्रीज में कौन से रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने अभी तक अपडेट नहीं किया है। उस कंडीशन में सर्टिफिकेशन आपकी काफी मदद करता है। आप सर्टिफिकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करें, आप सर्टिफिकेशन उन सेक्टर के टॉपिक्स पे करें जो आपका ड्रीम सेक्टर है जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स में कम से कम 5 नेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। सर्टिफिकेशन आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं जिसमें NPTEL सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल एंड रिप्यूटेटेड है, कोर्सेरा, IEEE, EDX और ऐसे बहुत सारे रिप्यूटेटेड एजेंसीज हैं जहां से आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इन चार पॉइंट्स को अपने सीवी में बहुत सही तरीके से ऐड कर लिया, यहाँ पे इन चार पॉइंट्स को सीवी में ऐड करने का मतलब सिर्फ सीवी में लिखना नहीं है, ऐड करने का मतलब है ये चार पॉइंट्स आपके ड्रीम सेक्टर से रिलेटेड होने चाहिए। इन चार पॉइंट जिसको आप सीवी में अपडेट कर रहे हैं इसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, और अगर ऐसा आपके पास है तो यकीन मानिए आपका रिज्यूम हर रिक्रूटर की पहली नजर में आएगा। और अगर ये चीजें सही तरीके से आपके रिज्यूम में रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो आपके रिज्यूम को सेलेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सेलेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें। इस तरह के क्वालिटी वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है, तो मेरा इस वीडियो के लिए आपसे टारगेट है 500 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक शेयर और कमेंट करें, और कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने इसमें कवर नहीं किया मैंने छोड़ दिया और आपके नजर में इंपोर्टेंट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि जो भी हमारे व्यूअर हैं उसको देख के उसको पढ़ के अच्छे से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट।